वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पर रहा विनायक गणेश चतुर्थी के व्रत पूजन शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। गणेश चतुर्थी का व्रत यह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पढ़ता है उसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन पढ़ता है इसे विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, साथ में माता दुर्गा का पूजन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। जहाँ पर भी भगवान गणेश आते हैं वहाँ पे उनके साथ रिद्धि सिद्धि और हर प्रकार के मंगल कार्य उनके घर में सिद्ध होते हैं और भगवान सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं। इस बार विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत 8 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 7 नवंबर 2021 दिन रविवार शाम 4:24 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 8 नवंबर 2021 दिन सोमवार को दोपहर 1:18 पे। इस दिन चंद्रोदय सुबह 9:42 और चंद्रास्त रात्रि 8:20। योग इस दिन सुकर्मा योग दोपहर 3:27 तक। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:24 से सुबह 8:48 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। सूर्योदय सुबह 6:02 और इस दिन सूर्यास्त शाम 5:05। जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, हे मंगलकारी गणेश, आज मैं आपके विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। हर मनुष्य को चाहिए कि भगवान सूर्य देव को अर्घ अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर देते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद एक समय भगवान गणेश का पूजन कर ले। भगवान गणेश के पूजन के साथ साथ इस दिन माता दुर्गा का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष करके भगवान गणेश का पूजन मध्यकालीन जो कि दोपहर के समय में करना चाहिए और भगवान का सुबह शाम के वक्त भी पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और उस पे फिर भगवान गणेश की फोटो या प्रतिमा रख करके और साथ में माता दुर्गा की। उसके बाद फिर पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को इस दिन जल से उनका अभिषेक करें, फिर पंचामृत उनके ऊपर चढ़ाएं, उसके बाद शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करें, उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित, उसके बाद भगवान को अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा दल चढ़ाए, दुर्वा दल जो कि दूबी होता है वो भगवान गणेश को अर्पित करें। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश को अर्पित करें। एक बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश को अगर नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल छोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी दल से भगवान गणेश को भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान गणेश के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है तो तुलसी पत्र के जगह उसमें दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान गणेश को द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। पुंगी फल तांबूल, पुंगी फल सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान गणेश को अर्पित करें।
उसके बाद फिर इसी प्रकार से माता दुर्गा का पूजन करें, माता दुर्गा को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला माता दुर्गा को अर्पित करें, पुरुष माता दुर्गा को चंदन चढ़ाएं और महिलाएं माता दुर्गा को सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें, श्रीफल आदि अर्पित करें। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल माता को अर्पित करें। इसके बाद फिर विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश के पूजन में इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए, जो कि रोगी व्यक्ति होते हैं जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, वह एक समय फलाहार ग्रहण कर ले और भगवान गणेश का पूजन करें। जो भी विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करें, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें, महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करें। जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है वहां पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं, सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहें, भगवान नाम का स्मरण करते रहें। इस दिन विशेष करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना बड़ा ही लाभकारी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।